दोस्तों आज पूरे देश में पूरे भारत में बस तीन ही टॉपिक बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुए हैं। पहली है किंग खान की पठान की कमाई, दूसरा है कियारा आडवाणी और सिद्ध की शादी, एंड तीसरा है राखी सावंत का बेहोश होना और उनके हस्बैंड आदिल खान का जेल में जाना। और इन सबसे अलग अब एक चौथी खबर बिल्कुल ही वो वाइस ब्रेकिंग न्यूज़ और वो की बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है कि मिथुन चक्रवर्ती की बहू हुई थी कास्टिंग काउच का शिकार। यूं बयां किया अपना दर्दनाक दर्द कि आसपास हमेशा कोई ना कोई मुझे छूने के लिए। दोस्तों मिथुन की बहू जिनका नाम है मदालशा शर्मा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हर इंडस्ट्री में खतरा रहता है। उनका कहना था चाहे लड़का हो या लड़की हो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो महिलाओं के आसपास हमेशा मर्द होते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन या सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हमें अपना कंफर्ट महसूस नहीं होता। जब कभी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ और अच्छी और बुरी बातें चलती रहती है, लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको अटल रहना चाहिए। दोस्तों मिथुन की बहू मदालशा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु मूवी से की थी और उन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू 2011 में फिल्म एंजल से किया था। साल 2018 में मदालशा ने मिथुन के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती से शादी कर ली थी। दोस्तों तो ये थी पूरी खबर। दोस्तों इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे ऐसा कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा हो, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने गंदा बोला नहीं है। जो कि होता है बॉलीवुड में वो होता आ रहा है, जो होता है वही होगा आगे भी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें बस आप अपना लाइक करके, कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़।